बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ भटूरों के साथ के छोले बनाना। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही इजी हैं बनाने, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा इंग्रेडिएंट जो हैं वो आपने देख के इस्तेमाल करने, तो इनका रेशो अगर सही रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 कप छोले रात भर पानी के अंदर भिगो दिए सोडा डाल के। सुबह को पानी उनका फेंक दिया, ताज़े पानी के अंदर उनको नमक डाल के बॉईल कर लिया। मैंने 2 चाय के चम्मच नमक डाल के अच्छे खासे पानी में बॉईल किया था, तो इसके अंदर नमक इस वक्त इसका पूरा है। हमें सिर्फ मसालों का नमक डालना होगा। और छोले आपने 100% बॉईल कर लेने, ज़रा सी भी इनमें कसर रह गई तो जब ये टमाटर के पेस्ट के साथ भुनाई कर रहे होंगे आप कड़क हो जाएंगे। इसलिए आप इनको इस तरीके से बॉईल करेंगे कि अगर ये थोड़े से खुलने या फटने भी लगें तो कोई इशू नहीं है, ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं जब हम इन्हें मसालों के साथ भूनते हैं। इसके अलावा इसको मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। आप जो है इसे रेगुलर ऑयल में भी बना सकते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं। 1 कप पानी मैंने इसका निकाल के रखा है, तो हम नमक कम डालेंगे इसलिए कि इस पानी के अंदर भी नमक मौजूद है। हरा धनिया 3-4 टेबल स्पून चॉप करके रखा है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, छिलका उतार के उनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। 1 लार्ज साइज़ की प्याज को मैंने ऑमलेट की तरह बिल्कुल महीन चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें हैं, फाइन चॉप की हुई हैं। 6 से 7 कड़ी पत्ते हैं, ये फ्रेश है, मैं इनको फ्रीज करके रखती हूँ। 1 लीमू है, इसका रस डलेगा। जो मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच धनिया भून के और पीस लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून के करीब अदरक का टुकड़ा कद्दूकश कर लिया है, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1/2 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया लेकिन ऑब्वियसली मैं चक्के डालूंगी, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, और 1/2 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी है। सबसे पहले 1/4 कप ऑयल को मैं पहले ही पतीली में डाल के एक जोश दे चुकी हूँ और मैंने उसके बाद स्टोव ऑफ कर दिया था, तो इसका टेम्परेचर नीचे आ गया। अब हम इसको पकाएंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर चला जाएगा ये कड़ी पत्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते मत डालें, लेकिन डालने से इसकी बहुत अच्छा सा टेस्ट और अरोमा आएगा। हल्का सा इसे कड़कड़ा लेते हैं। अब इसमें चली जाएगी ये प्याज, हल्का सा इसे सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तकरीबन 1 मिनट में, हम इसके अंदर डाल देंगे ये कद्दूकश की हुई अदरक। हल्का सा इसे भी चलाएंगे। और अब हम इसके अंदर तमाम मसाले डाल देंगे। मसाले डालते हुए आंच को स्लो कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। भुना और पिसा हुआ धनिया और जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, रेगुलर लाल मिर्च, हल्दी और 1/2 चम्मच नमक में से थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, समझें कि 1/4 टीस्पून से ज़्यादा, और बाकी का मैं बचा रही हूँ। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून पानी के डालूँगी बस, ताकि हम मसालों को अच्छे तरीके से भून लें। तकरीबन 1.25 मिनट के अंदर मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। अब इसके अंदर चले जाएंगे ये पिसे हुए टमाटर। अब हम तेज़ आंच के ऊपर इस टमाटरों के पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे, इतना कि ये ऑयल जो है ये फिर से दोबारा से सेपरेट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट मीडियम आंच के ऊपर पका के मैंने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। अब देखिए ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया, पानी इसके अंदर का बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इस वक्त आपने क्या करना है, आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और ये जो है सारा तार ऊपर से उतार लेना है, क्योंकि हम जब इसमें छोले डालेंगे तो ये सारा तार जो है छोले पी जाएंगे, तो ये बहुत अजीब से रंग का बन जाएगा। तो हम इस पे पहले ये सारा तेल जो है ये उतार लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस पे ऊपर से जितना तेल उतार सकती थी सब उतार लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे और इससे हमारे छोलों का रंग जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इस वक्त इसके अंदर मैं डाल दूंगी
हरी मिर्चें, साथ ही चले जाएंगे ये उबले हुए छोले या चने। और अब हमें इसके अंदर 2 कप पानी का डालना है, तो 1 कप तो मैं सादा पानी डाल रही हूँ और 1 कप मैं ये उबाला हुआ पानी डाल रही हूँ। नमक हमने हल्का रखा था, इस वजह से नमक जो है वो हमारा तेज नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही मसाले में चकचू। इसे मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। और अब इस पानी के आधे से ज्यादा खुश्क होने तक मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर पका लेती हूँ, तो ये सारा मसाला जो है ये अच्छे तरीके से छोलों में रच जाएगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे पका लिया और इसका पानी जो है वो तकरीबन आधा खुश्क हो गया। मैं आंच बिल्कुल हल्की कर रही हूँ। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये पोटैटो मैशर चलाना है थोड़ा सा। अब हमने इसके अंदर पोटैटो मैशर चला लिया। अब ये एकदम घुले मिले हुए हैं, ये बिल्कुल बाजार के जैसे हो गए। इनको कितना सूखा रखना है या ग्रेवी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर बाकी चीजें इस वक्त चली जाएंगी। ये आधे नींबू का रस है, मेरे हिसाब से आधा नींबू का रस काफी है, आपने भी चख लेना है, अपने हिसाब से खटास को एडजस्ट करना है इसके अंदर। साथ ही अब इसके अंदर चला जाएगा ये गरम मसाला पाउडर, सिर्फ जरा सा रोक रही हूँ मैं डिस्प्ले के लिए। अब इसके अंदर चला जाएगा ये हरा धनिया और साथ ही मैं इसमें से आधा ऑयल डाल दूंगी, थोड़ा सा मैं डिस्प्ले के लिए बचाऊंगी। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। नमक वगैरह आपने इस वक्त चख लेना है, चख के अपने हिसाब से कर लेना है। और इसे अब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने दम पे रखना है और उसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लेना है। तो हमारे मजेदार छोले और भटूरे दोनों रेडी हैं, बहुत ही मजेदार बने। भटूरों की रेसिपी भी मैंने आपके लिए अलग से वीडियो में दी है, तो ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो अपनी डिश की तस्वीर लेके मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे इनबॉक्स कर दिया करें, मैं आपके नाम के साथ उसे पोस्ट कर दूंगी। इससे दूसरों को ये बेनिफिट मिलता है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये रेसिपी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ हैं। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।